गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। डियर स्टूडेंट, वी आर डूइंग चैप्टर 7, चेंजिंग ट्रेड्स इन ऑक्यूपेशन। एंड यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, वर्क इज वर्क। Even father of the nation Mahatma Gandhi used to do all type of work on his own, even cleaning the toilet. So dear student, today we will take the next topic of this lesson, gender discrimination. The meaning of gender discrimination means ki genderly yani means male or female mein kaise bhedbhav hota hai. Let's start with the topic. It is wrong attitude of men against women that has exist in India. So India में क्या है, एक wrong attitude है men और women के लिए कि कुछ काम जो है आदमी ही कर सकते हैं और वो काम औरतें नहीं कर सकती। तो ये attitude जो India में बहुत exist है, girls and women are not given equal opportunity in education, careers and politics system. जो girls हैं और women हैं उनको जो है equal opportunity नहीं है India में, ना तो education की ना career। career means कोई भी आप job choose करना चाहते हैं वो आप choose नहीं कर सकते। village present day में भी village में ऐसा system है कि girls जो है घर में खाना बनाएंगी और जो बॉयज़ हैं वो बाहर कमाने जाएंगे। ठीक है, और बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जो गर्ल्स हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं, स्टडी नहीं कर रही हैं, एंड जो इक्वल शेयर है पॉलिटिकल सिस्टम में भी नहीं है। बट इट इज़ चेंजिंग स्लोली एंड वीमन आर क्लेमिंग दियर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी। बट अब क्या है, थोड़ा चेंज आ रहा है, वुमेंस अवेयर हो गई हैं तो धीरे धीरे वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं कि अगर कोई मेल बाहर काम करने जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तो हमें स्टडी का भी राइट है, हमें करियर चूज़ करने का भी राइट है, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चेंजिंग ट्रेड इन ऑक्यूपेशन इन is increasing in the participation of women in various occupation. अब जो change है education में, career में, political system में आ रहा है, वैसे ही जो है change अब किस में भी आ रहा है, occupation में भी। मतलब वो किसी भी तरह का women जो है काम करने के लिए ready हुए हैं various occupations में। When the ruler women started migrate to city in search of occupation, the women look over the responsibility of farming and related activity। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब रूरल एरिया से मैन ने माइग्रेशन शुरू किया, वो शिफ्ट हुए सिटी की तरफ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन डिफरेंट जॉब के लिए, तो जो वुमेंस थी उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि घर की फार्मिंग को देखना और अदर एक्टिविटीज से, मतलब गाय की देखभाल करनी या कपड़े सिलाई का काम करना, बहुत सारे ऐसे काम थे, घर में सफाई या खेतों में काम करना, तो सारे क्या है वुमेंस के ऊपर आ गए थे, वो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। बट दियर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड as they are not given the same wages that are given to men। but क्या था कि जैसे men को काम करने के लिए उन्हें पैसे मिलते थे तो उतने पैसे जो है women's को नहीं दिए जाते हैं। means same wage means same वेतन, जो कमाई के पैसे men को मिलते थे उतने पैसे जो हैं औरतों को नहीं दिए जाते हैं। गांव में अगर एक आदमी को दिहाड़ी के लिए 300 रुपये मिल रहे थे दिन के, तो औरतों को वो 200 रुपये देते थे।
दो वीमन फ्रॉम 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, येट दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और पार्लियामेंट। अगर हम आज की बात भी करें तो आज भी ऐसा ही है, येट दे डू नॉट गेट, आज भी जो है वो उन्हें इक्वल शेयर जो है ना तो ऑक्यूपेशन में मिल रहा है, ना ही एजुकेशन में है, ना हेल्थ फैसिलिटी में है। मैनी वीमन सफर ड्यू टू दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो बहुत सी ऐसी औरतें हैं, वीमन हैं, जो कि सफ़र कर रही है इस अनइक्वल ट्रीटमेंट से, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अनइक्वल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि जो मेल है उनको ऑक्यूपेशन, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो या फिर पार्लियामेंट में सीट्स हो, वो वीमेन से ज़्यादा दी गई है। सो जो ये ट्रीटमेंट है कि आदमी को ज़्यादा, जो मेल है या मेंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और लेडीज़ को कम दी गई, तो इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं हम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन्स आर वर्किंग बट नॉट गिवन द सेम वीक्स, सो दिस टर्म इज नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नाउ मैनी वीमेन्स आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशन डेट वर सो फार लेबल्ड एज मैन ऑक्यूपेशन। अब जो बहुत सी वीमेन्स हैं वो उस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर रही हैं जिनके लिए सिर्फ लेबल था कि ये सिर्फ मैन ही कर सकते हैं। जैसे कि पहले बोला जाता था कि जो पायलट होंगे वो क्या होंगे, मेल ही होंगे, क्योंकि औरतें जो है जहाज़ नहीं चला सकती। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रिसेप्शंस थी लोगों की कि वुमेन्स जो है ये काम कर सकती है और मैन ये कर सकते हैं। बट आज क्या है, बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। देयर आर मैनी वुमन इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट एंड द पायलट इन द सिटी। लेकिन हम आज की बात करें तो आप सिटीज़ में जाओगे, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको वीमन इंजीनियर मिल जाए, देखने के लिए मिल जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, पायलट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब जो है मॉडर्न डे में जो है चेंज आ गया है। इन रूरल एरियाज वीमन आर वर्किंग इन स्पाइस, मैच वर्क बॉक्स एंड अगरबत्ती फैक्ट्रीज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर बहुत सी जो औरतें हैं कहाँ काम करती हैं, स्पाइसेस मतलब जो आपके खाने के स्पाइसेस होते हैं, मसालों की फैक्ट्रीज़ में, मैच बॉक्स वाली फैक्ट्रीज़ में, या अगरबत्ती बनाते हैं उन फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं। दे हैव ऑल्सो टेकन अप जॉब एज हेल्थ वर्कर, टीचर एंड इन पंचायत। सो अब जो है वीमन्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब को भी अडॉप्ट कर रही है, यानी कि वो हेल्थ वर्कर्स के रूप में भी काम कर रही हैं। ठीक है, टीचर्स के भी काम कर रहे हैं, अपने पढ़ाते हैं बच्चों को। एंड बहुत सी वुमेन्स जो है पंचायत में भी पार्टिसिपेट करती है। दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। और वो जो अपनी कंट्री, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। मीन्स चाहे वो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रही है तो उन्हें एजुकेट कर रही है, हेल्थ वर्कर्स आपने देखा है कि कैसे आजकल जो लेडी हेल्थ वर्क है डोर टू डोर जा रही है, लोगों को इन्फॉर्म कर रही है COVID-19 के बारे में। ठीक है, तो जो ये वुमेन्स जो ये पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये किससे, किसके लिए डेवलपमेंट हो रही है, ये इवन हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट हो रही है। यू कैन सी दिस इन पिक्चर कि कैसे जो है लेडीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पायलट भी है, आर्मी भी ज्वाइन की है, कल्पना चावला इज दियर, एस्ट्रोनॉट रही है, स्पोर्ट्स में भी अपना नाम कर रही हैं, सानिया नेहवाल, है ना।
और फील्ड में भी वर्क कर रही है, ट्रैक्टर चला रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, तो वीमन इन वेरियस ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं, पुलिस में भी हैं यहाँ पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रिसर्चर्स शो डैट अ मेजोरिटी ऑफ वुमन वर्कर इन रूरल एरिया आर इलिटरेट और सेमी इलिटरेट। क्या आप जानते हैं कि जितनी भी रिसर्च से ये पता लगा है कि जो बहुत सारी वुमेन्स हैं जो गांव में काम करती हैं, वो क्या है, इलिटरेट मीन्स कम पढ़ी लिखी हैं या थोड़ी बहुत ही पढ़ी लिखी है। दे आर गेटिंग एजुकेशन इन टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, बट वो क्या कर रही हैं, वो एजुकेशन यानी पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सॉरी ऑक्यूपेशन को भी अडॉप्ट कर रही हैं। मैनी अपर प्रोफेशनल वीमन हैव टेकन अप हाई पे एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब, और जो अर्बन एरिया है, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो प्रोफेशनली वुमेंस हैं जिन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो हाईली पेड भी हैं, उनकी उनको अब क्या है, अच्छी इनकम भी मिल रही है। और एक रिस्पॉन्सिबल जो मैन को देती थी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन ही फुलफिल कर सकता है, वो वुमेंस को भी दी जा रही है। सो डियर स्टूडेंट, दैट नाउ वीमेन्स आर टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।